थैंक यू माननीय पी विल्सन जी। माननीय श्री राघव चड्ढा। सर, अपने 115 दिन के सस्पेंशन समाप्त होने पर पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूं और इस नए संसद भवन में पहली बार बोलने जा रहा हूं, तो आपका संरक्षण चाहूंगा सर। 5 मिनट समय आपका। आप इसे मेडन स्पीच भी मानकर मुझे अधिक समय दे सकते हैं अगर चाहें तो। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें दो बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट को, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपन्ड और डिटेन्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ 1 सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, 2 फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, 3 पब्लिक ऑर्डर, 4 इमरजेंसी एंड 5 अपॉन द अकरेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है। इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहे, सरकार को मालूम रहे। ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है जिससे ये बिल पूरी तरीके से पीड़ित नजर आता है सर। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो समस्या निकल कर आती है वो ये है कि ये बिल प्रोसीजर स्पेसिफाई करने में फेल हो जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके तहत आप किसी डाक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। ये एक आर्बिटरी शक्ति नहीं हो सकती है, ये शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसे कौन से इमरजेंसी या फ्रेंडली स्टेट्स को आप फायदे पहुंचाने चाहते हैं जिसके चलते, या खास तौर पे किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का कोई वायलेट होता है तो वो आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। ये इसमें दूसरी बड़ी खामी है सर। तीसरी बड़ी खामी है कि जिन ग्राउंड्स को स्पेसिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड्स के तहत आप किसी के भी डाक को या शिपमेंट को खोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स बहुत वेग हैं। वो किसी भी शिपमेंट को रोकने के लिए या किसी भी कंसाइनमेंट या चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून पकड़कर या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने वेग ग्राउंड्स ये कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा जो इस बिल से है कि जो अफसर इसको इंटरसेप्ट करेगा या कॉन्फिस्केट करेगा, अगर वो अफसर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे पूरी आजादी है। पांचवा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है सर। इसके साथ एक और मैं खतरनाक चीज बताना चाहूंगा कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्रिवेसी का एक हाल ही में वायलेशन मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ हुआ, जब हमें अपने स्मार्टफोन पर, एप्पल के स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में सर ये लिखा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने आपके फोन को इन्फेक्ट कर दिया है और इसके जरिए वे आपके कैमरा, आपके माइक, फोन का जो माइक होता है और फोन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो है उसके निगरानी में आ जाते हैं, उसकी पोजेशन में आ जाते हैं।
ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं सर, देश के कई सांसदों के साथ हुआ। और दिलचस्पी की बात यह है और खतरनाक बात मैं कहूं वो ये है कि ये सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ, ऐसा जानकारी आई और इसमें एक शायद सत्ताधारी पक्ष के भी सांसद थे। ज्यादातर जो लोग इसमें पाए गए, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसके मुताबिक विपक्ष के या सरकार के आलोचक थे। ये एक बड़ा खतरनाक हमला फोन्स पर हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसमें जांच करे, आपके अध्यक्षता में सर वो जांच हो सके तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो कि किस प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स पेगासस नाम की और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जो लोग आप कह सकते हैं आलोचक हो सरकार के या विपक्ष के नेताओं, उनके फोन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं और चाहूंगा कि ये जो एप्पल का नोटिफिकेशन यहां बैठे कई सांसदों, विपक्ष के सांसदों के फोन पर आया, उसके बारे में सरकार कुछ अपनी बात भी रखे और इस पर जांच भी बिठाए। थैंक यू राघव जी।